गुजरात चुनाव के नतीजों में आपको लगा जोरदार झटका, फिर भी संजय सिंह खुश क्यों हुए? इस जनादेश का सर झुका के सम्मान करते हुए गुजरात की जनता को हृदय की गहराइयों से बधाई देना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को गुजरात की जनता ने राष्ट्रीय दल बनाने का काम किया है। 10 वर्षों में हिंदुस्तान की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन गया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। इसके लिए गुजरात के लोगों को हृदय से धन्यवाद और शुभकामनाएं। चुनाव का जो परिणाम आया है, अभी तक लगभग 15% वोट शेयर आएंगे इस चुनाव में। आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी का गढ़ है गुजरात, भारतीय जनता पार्टी की प्रयोगशाला है गुजरात। 27 वर्षों से गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और उस किले को भेदना कोई आसान काम नहीं था। और पहले चुनाव के हिसाब से अरविंद केजरीवाल जी ने भारतीय जनता पार्टी के उस गढ़ में भेद किया है, आम आदमी पार्टी ने उस गढ़ को भेदा है। मैं समझता हूं कि इसको एक सकारात्मक दृष्टि से उत्साहजनक फैसले के रूप में लेना चाहिए। आज देश के आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को और देश की जनता को हृदय से बधाई, शुभकामनाएं। आपने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल बनाया और आगे का सफर और मजबूती और तेजी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। गुजरात में आप लोगों का ये कहना था कि सेकंड पार्टी तौर पर हम उभरेंगे, लेकिन सेकंड पार्टी तो नहीं, थर्ड पार्टी हो रही है। देखिए, अब इसकी आप बात करेंगे तो बहुत डिटेल में मैं पूरी तैयारी करके आया हूँ, कहिए तो एक एक करके बता दूं। देखिए, कोई भी राजनीतिक दल चुनाव हारने के लिए चुनाव नहीं लड़ता, हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ती है। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी, जिनको राजनीति का चाणक्य माना जाता है, 2018 के बाद 11 चुनाव में उनके दावे गलत साबित हुए। दिल्ली को लेकर उनका दावा गलत साबित हुआ, हरियाणा को लेकर गलत साबित हुआ, महाराष्ट्र को लेकर गलत साबित हुआ, बंगाल को लेकर गलत साबित हुआ, बहुत सारे चुनाव में बिहार को लेकर गलत साबित हुआ, तो उनके दावे गलत साबित हुए। भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद बंगाल जाते हैं, 2016 में 3 सीटें उनको मिली। जब वो 2019 में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जमकर मेहनत करते हैं आंध्र प्रदेश में, 173 सीटों पे, सभी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त होती है, 0.8% वोट मिला था आंध्र प्रदेश में 2019 में बीजेपी को। 40 साल तक बीजेपी को केरल में 1 सीट मिली है, सभी चुनाव में 0-0 सीट मिली, इस बार भी 0 सीट मिली। 40 साल तक तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को मात्र 8 सीटें मिली अलग अलग मौकों पे, बाकी सारे चुनाव में 0-0 सीटें मिली। तो हम एक नई भारत की सबसे तेजी के साथ उभरती हुई पार्टी हैं। मैं तो इस बात की प्रसन्नता और खुशी जाहिर करूंगा, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आज आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय दल बन गई है। आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इस बात से उत्साहित है, खुशी है कि 10 वर्षों में इतना बड़ा सफर हम लोगों ने तय किया है।